जहां हम आज के युग में महिलाओं और पुरुषों को एक समान दर्जा देते हैं और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और उनके हक को सुरक्षित रखने के चलते अपनी कानून व्यवस्था को भी मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में मुंबई में काम कर रही वास्तव फाउंडेशन ने प्रताड़ित पुरुषों की संख्या की तादाद का खुलासा कर हैरान कर दिया है। इस फाउंडेशन ने मुंबई प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कर उन बातों का जिक्र किया है जहां प्रताड़ित पुरुष को कंसीडर किया जाता है क्रूअल, डोरीमोंगर और क्रिमिनल, ताकि उसे डाइवोर्स की प्रतिक्रिया के दौरान इजिली ट्रैप में फंसाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बराबरी का जमाना है जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जा रहा है। ऐसे में दोनों के लिए कानून व्यवस्था का नजरिया एक सा होना चाहिए। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा वास्तव फाउंडेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। नमस्कार, मेरा नाम चेतन है, मैं वास्तव फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। वास्तव फाउंडेशन जो है जो प्रताड़ित पुरुष रहते हैं, झूठे केस में फंसे रहते हैं, उनको हेल्प करने का काम करती है। ये वास्तव फाउंडेशन मुंबई बेस्ड एनजीओ है। हम लोग यहाँ पे 3 जगह वीकली मीटिंग चलाते हैं, बोरीवली, मुलुंद और नवी मुंबई में। हमारा एक नेशनल लेवल पे एक हेल्पलाइन नंबर भी काम करता है, 888-2498-498। मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 888-2498-498। ये एनजीओ मुंबई में काम कर रही है। ऐसे एनजीओज हमारे पूरा ऑल ओवर इंडिया में 50 से ज्यादा एनजीओज हैं जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, और हेल्पलाइन नंबर जो मैंने बताया उसमें काउंसिलर जो है वो काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नो लाइफ टाइम मेंटेनेंस। लाइफ टाइम मेंटेनेंस अवार्ड नहीं होना चाहिए किसी भी महिला को। उसके लिए हम लोगों ने एक कंपेन करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लाइफ टाइम मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट हमारे लॉ मेकर्स ने जो बनाया है या हमारे जो कानून में, उसका भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। आज ऐसी स्थिति है, एक महिला जो है अगर उसका मैरिटल डिस्प्यूट होता है, मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होता है, तो वो 5 डिफरेंट टाइप के मेंटेनेंस केसेस फाइल कर सकती है। एक ही हस्बैंड, एक ही वाइफ, फिर भी 5 डिफरेंट टाइप के, और वो सभी केसेस में कुछ ना कुछ इंट्रीम ऑर्डर लेके चली जाती है, बाद में कोर्ट में आना बंद कर देती है। तो हम लोग ये डिमांड करना चाह रहे हैं आज कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए। जब आदमी का जॉब, आदमी की नौकरी लाइफ टाइम नहीं होती, तो ये मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? लाइफ टाइम मेंटेनेंस का ये लाइफ मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस अमाउंट जो भी डिसाइड होता है, ये एक टाइम बाउंड पीरियड के लिए होना चाहिए, 6 महीने के लिए होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल के लिए दे सकते हो। उसके बाद जो कैपेबल और हाईली क्वालिफाइड जो महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाना चाहिए। जो हमारी WCD मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, वो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे, क्योंकि उनके पास 1000 करोड़ रुपये का फंडिंग है, वो उनको ट्रेनिंग दे और उनको कैपेबल बनाए, और हस्बैंड पे बोझ बनना बंद करे। जो 5 टाइप के डिफरेंट केसेस, झूठे केसेस फाइल करने के बाद में डिमांड करती हैं, ये धंधा बंद होना चाहिए, ये एक लीगल एक्सटॉर्शन का धंधा है, यही मैसेज देना चाहते हैं। आज के डेट में मैरिज, शादी, विवाह जो बोलते हैं, ये टोटली फेल हो चुका है। आज के डेट में एज ऑन डेट जो है, हर साल 2 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख डाइवर्स केसेस फाइल होते हैं। जो पुरुष हैं उनको, उनका जो है शादी पे या विवाह पे उनका विश्वास टूट चुका है। आज उन लोग शादी के फेवर में नहीं है, कम से कम इंडिया में तो शादी नहीं करना चाहते, और उसका मेन रीज़न है जेंडर बायस का। तो हम सरकार से यही डिमांड करना चाहते हैं कि भाई आप जो कानून है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अगर महिला भी डेफिनेटली क्राइम करती है तो उसको भी पनिशमेंट होना चाहिए। वो भी डोमेस्टिक वायलेंस करती है, क्रुएल्टी करती है, वो भी हरासमेंट करती है हस्बैंड का, तो उसको भी पनिशमेंट होना चाहिए। जैसे दूसरे कंट्रीज़ में लॉ है जेंडर न्यूट्रल लॉ, वैसे हमारे कंट्रीज़ में भी होना चाहिए। मेजर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स वास्तव इज वर्किंग फॉर मेन एंड स्पेशली जो प्रताड़ित हैं, जो इन सब चीज़ों से, उनके लिए वास्तव वर्क करता है। और ऐसे में आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सोसाइटी को कि वो मैरिज करें या नहीं करें? क्योंकि ये तो एक डरावना एक सीन पिक्चर दिख रहा है जो कि रियलिटी है। यू इज अ वेरी वैलिड पॉइंट रिगार्डिंग मैरिज। सी, दिस इज व्हाई वी कॉल अवर एनजीओ सेव इंडियन फैमिली। इट इज नॉट अबाउट सेव इंडियन मैन जस्ट, बिकॉज यू हैव officially declared man to be a protected and provider, husband specifically in double quotes, to be a protected provider of a family. So he contributes a major portion of a family. For most of the families, if you look around, not in every house you have a wife who is working. It's the husband who is taking care of the wife, kids, brothers, everyone. So we want marriage institution to survive basically, and that's why we need neutral laws where a man, before he feels that he's entering a marriage or a family system, then he should be given an assurance that if anything goes wrong, then you will not be left alone, or you will not be judged totally, and we will not just be her side. That is very important. देखते रहिए द ट्रू हनी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल।